तो फील गेम फैमिली, आज का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि WWE के दो फाड़ू सुपरस्टार जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर आज एक बार फिर से भिड़ने जा रहे हैं। तो आज तीन डिफरेंट जॉन सीना, तीन डिफरेंट ब्रॉक लेसनर से फाइट करेंगे। तो मेरे चैनल पर तीन रोमन रेंस को कोई नहीं हरा पाया है, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉक लेसनर के। तो ब्रॉक लेसनर की टीम तो इतना पता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो बस आज देखना यह कि क्या 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की टीम तीन ब्रॉक लेसनर की टीम को हरा पाती है या नहीं। तो फेल आर्मी, अगर आप जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आप मेरे भी फैन हो तो एकदम फटाक से वीडियो को लाइक करो। अगर रात तक इस वीडियो में 5K लाइक्स हो गए तो मैं कल या परसों एकदम पक्का 100% लाइव आऊंगा भाई। तो दोनों ही जवान सुपरस्टार्स ने मैच स्टार्ट किया है। पुराने वाले ब्रॉक लेसनर ने F5 लगा दिया, मैच स्टार्ट हुआ था अभी। मुझे पता था कि ब्रॉक लेसनर की टीम खतरनाक है, लेकिन F5 लगा दिया है। डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स को पिनफॉल नहीं होना चाहिए, रूल्स वही है, नॉकआउट होने भाई ज्यादा पिटेंगे अगर जॉन सीना या फिर ब्रॉक लेसनर, तो नॉकआउट हो जाएंगे, पिनफॉल सबमिशन है। रिंग के बाहर काउंट सिर्फ 5 है। मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर की टीम को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रोमन की टीम को हरा दिया था ब्रॉक ने। तो जॉन सीना को आज बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सुप्लेक्स, ओके, सीना आज कुछ जलवा दिखाना होगा तभी जीत सकते हो ब्रॉक लेसनर से। डैमेज पे डैमेज हुए जा रहे, सीना हेल्थ कम हो चुकी है। एक और सीना आ गए मदद करने, नहीं वापस चले गए, मुझे लगा मदद करने आ रहे हैं। और एक और सुप्लेक्स रिवर्स कर दिया है। डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स भी कब नहीं है, रिवर्स करके फिनिशर नहीं, टैग देने जा रहे हैं डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स। 2022 वाले सीना को टैग मिल गया है। और इधर हियर कम्स द पेन, ब्रॉक लेसनर जाने के मूड में नहीं लग रहे। और भाई चालू पावर स्लैम, नहीं रोप पे पटका है मुंह के, जो भी आ रहा है पिट रहा है। एक ही ब्रॉक लेसनर के तीनों को एलिमिनेट नहीं कर दे। ओ भाई नहीं, रिवर्स कर दिया सीना ने, F5 सीना, और ये भी रिवर्स हो गया है। मुझे लगा था कि ये मैच खतरनाक होगा, लेकिन स्टार्टिंग से इतना खतरनाक सोचा नहीं था। सीना कुछ तो करो, सीना पिट रहे, फिलहाल सीना पिट रहे, वो भी एक ही ब्रॉक लेसनर से। अभी दो का तो आना बाकी है, एक कॉबॉय ब्रॉक लेसनर और एक बीस्ट इनकार्नेट, तो अभी आए भी नहीं है। फिलहाल ब्रॉक लेसनर की टीम में से एक ही ब्रॉक लेसनर सीना की टीम को डोमिनेट कर रहे हैं। रनिंग पावर स्लैम, ब्रॉन स्ट्रोमन का जो फिनिशर है ब्रॉक लेसनर का, वो आम मूव है। 2022 वाले सीना की बॉडी येलो हो गई है, ज्यादा पिटेंगे, नॉकआउट हो जाएगी सीना। ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स, रिवर्स नहीं किया सीना ने, सिग्नेचर खा गए हैं। ब्रॉक लेसनर के पास फिनिशर भी आ गया। ब्रॉक लेसनर वन साइडेड डोमिनेशन दिखा रहे हैं फिलहाल, जो ब्रॉक लेसनर की रियल लाइफ में भी आदत है, लेकिन सीना गिव अप नहीं करते हैं। सीना मुझे लग रहा है कि कम बैक करेंगे, और ये रियल ब्रॉक लेसनर जो कि 2K के ब्रॉक लेसनर है ऑफिशियल, वो आ चुके हैं। पिनफॉल नहीं होना चाहिए। नए अपडेट के बाद ना मैं चुप हो जाता हूं, कभी कभी हो जाता है पिनफॉल, लेकिन हाँ इतनी भी जल्दी नहीं होना चाहिए था। F5, और अब क्या कर रहे हो सीधा, F5 भी रिवर्स नहीं किया, ब्रॉक लेसनर डोमिनेट किए जा रहे हैं, हेड भी येलो हो गया, पिनफॉल आई थिंक अभी भी नहीं होगा। सीना ने ऐसे बचा लिया डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स ने, और बेचारे आए थे बचाने और उनको भी उठा लिया ब्रॉक ने। ब्रॉक छोड़ दो, अरे कितने सीना भाई, एक ही सीना बच गए, जो ऑफिशियल सीना है ना वही मार नहीं खाया, सिर्फ जो 2K के ऑफिशियल सीना है जिनका हरा आर्म बैंड है, बस वही बचे हैं। और ये डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स भी बाहर, सीना ए थे चार थे लगा दी, ये क्या हो रहा है। हालांकि सारे सीना के पास दो दो फिनिशर था जैसे ब्रॉक लेसनर के पास था, लेकिन सीना का अभी तक एक भी फिनिशर काम नहीं आया है। 2022 वाले सीना को भागना चाहिए और टैग दे देना चाहिए ऑफिशियल जॉन सीना को, जो 2K के जॉन सीना है, वरना भी एक एलिमिनेशन हो जाता 2022 वाले सीना का। ब्रॉक लेसनर अपना शिकार देख के दौड़ गए थे, लेकिन सीना ने रोक लिया, क्लोज लाइन के लिए जा रहे थे। सीना सुपर ए नहीं दे रहे थे यार, सीना को सुपर ए ट्राई करना चाहिए था ब्रॉक लेसनर पे, लेकिन ट्राई नहीं कर पाए। सीना थोड़ा थोड़ा कम बैक कर रहे, थोड़ा थोड़ा, अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर अभी भी फिटे नहीं है। तीनों ही ब्रॉक लेसनर का एक भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है भाई, एक फिनिशर देना होगा एटलीस्ट ये लोग। कमबैक थोड़ा सा किया था, और सुप्लेक्स सिटी बना दिया भाई ब्रॉक लेसनर ने आज इस मैच में। फिनिशर है ब्रॉक के पास, सीना फिनिशर, मुझे लग रहा था फिनिशर लगेगा। एक ही जॉन सीना थे जिनकी हेल्प नहीं गई थी, लेकिन F5 भाई ये तो लग रहा है वो मैं पुराना वाला एक मैच नहीं था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जिसमें ब्रॉक लेसनर ने पूरा डोमिनेट कर दिया था। या तीन तीन ब्रॉक लेसनर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। सीना गिव अप नहीं करेंगे, सीना मुझे लग रहा है कि कांड करेंगे इस मैच में। तीन ब्रॉक लेसनर को हराना मुश्किल था, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, लेकिन सीना मुझे लग रहा है कि कांड करेंगे। नीचे भी जॉन सीना मार खा रहे हैं, यहाँ डबल टीम अप रिंग के ऊपर, और नीचे भी एक जॉन सीना मार खा रहे। भाई 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 उधर देखो नीचे क्या करे, ब्रॉक लेसनर ने F5 लगा दिया, ब्रॉक लेसनर ने आफत कर दी भाई, जो नीचे जॉन सीना उनको मारने की क्या जरूरत है, वो तो टैग भी नहीं लिया था। ब्रॉक लेसनर ने भाई फुल ऑन डोमिनेशन कर दिया, अगर सीना ये मैच जीत गए
तो मैं समझ जाऊंगा कि सीना कुछ भी कर सकते हैं 2K में, क्योंकि ये मैच अब सीना के हाथ से छूट गया है। सिर्फ डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स पिटे नहीं है ज्यादा, बाकी दोनों सीना पिट गए। पिनफॉल नहीं होना चाहिए अभी। सीना इतनी मार खाने के बाद क्या लग रहा है जॉन सीना के फैंस? ऐसे मैं भी जॉन सीना का फैन हूं, मुझे लग रहा है सीना जीत सकते हैं। अरे इसको देने की क्या जरूरत थी F5? ये तो बेचारे लीगल आदमी भी देते हैं, डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स को भी F5 दे दिया। कसम से अभी तक 5-6 F5 नहीं हो चुका है, मुझे लग रहा है और एक और F5 लगता, लेकिन सीना ने रिवर्स कर दिया, बच गया सीना। तो सीना की टीम ने अभी तक ना एक ए, ना एक 5 नकल शफल, ना एक STF कुछ नहीं दिया है। और ब्रॉक लेसनर ने सुप्लेक्सिटी, रनिंग पावर स्लैम, F5, पता नहीं क्या क्या कर दिया भाई इस मैच में। इसीलिए सीना की टीम पूरी पिट गई है। दो सीना तो ऑरेंज हो चुके हैं, 2022 वाले सीना और 2K का ऑफिशियल सीना, और डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स थोड़े कम पिट है। ब्रॉक लेसनर की टीम की हेल्थ देखो, मां कसम कैसे हराएंगे सीना। सीना कुछ जलवा दिखाना होगा तभी कुछ हो सकता है। ये डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स जब बचाने आ रहे हैं उनको कोई ना कोई ब्रॉक लेसनर पीट दे रहा है, ये गलत बात है। ओ ब्रॉक लेसनर नीचे गए डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स को मारने, और यहाँ अंदर भी सीना पीट रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मैच में? वन साइडेड डोमिनेशन, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वहां देखो सुप्लेक्स चल रहा है, नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर तो चल ही रहा है, नीचे भी चल रहा है। ओ भाई सीना जाओ बचाओ, एक और सीना को बचाने के दूसरे सीना, और इधर भी सुप्लेक्स। ये असली सुप्लेक्स सिटी मैच है। इस मैच को 3 जॉन सीना वर्सेस 3 ब्रॉक लेसनर नहीं बोलना चाहिए, इस मैच को बोलना चाहिए सुप्लेक्स सिटी मैच। नीचे जॉन सीना कुछ करने लगे, फाइनली कॉबॉय ब्रॉक लेसनर को मार रहे हैं सीना, लेकिन ऊपर पीटे रहे हैं फिलहाल। एक भी ब्रॉक लेसनर, एक भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है तीनों ही ब्रॉक लेसनर का। भाई कैसे जीतेंगे सीना? सीना की हालत देखो भाई, ये क्या हो रहा है? कोई नया सीना मेरे को डाउनलोड करना होगा, ये क्या कर रहे हो सीना? 2K के ऑफिशियल जॉन सीना को एक भी F5 लग गया ना, नॉकआउट हो जाएंगे, इसलिए जाना चाहिए टैग देने। पिनफॉल सीना नहीं होगा, ब्रॉक लेसनर भी पिटे ही नहीं, वन में किक आउट कर रहे हैं ब्रॉक लेसनर, टैग देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ए भी दे सकते हैं। दो दो फिनिशर तीनों सीना के पास है, तीनों सीना के पास दो दो और एक के पास तो तीन भी है। मैकसम डबल टीम अप, डबल फिनिशर लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, लगड़ी देखिए गिराया और ये एल्बो ड्रॉप। सीना को अब जीतना है इस मैच में, तो बस अब एक ही तरीका बच गया, फिनिशर पे फिनिशर। लेकिन ब्रॉक लेसनर फिनिशर खाएंगे तब ना दिक्कत ये है। एक ब्रॉक लेसनर की हेल्थ फाइनली, थोड़ा सा बॉडी येलो हुआ है बस, ज्यादा कुछ नहीं। वो भी चले गए टैग देने, डबल टीम अप, नहीं डबल टीम अप नहीं किया, मुझे लग रहा था डबल टीम अप करेंगे। डॉक्टर ऑफ फगेनॉमिक्स थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भी पिटे गए, बॉडी येलो, सर येलो, हाथ येलो कैसे हो गया? सीना के हाथ में किसने मारा था? दो दो सीना का हाथ येलो है। सुपर ए शायद कुछ हो, सुपर ए देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ब्रॉक ने रिवर्स कर दिया। कुछ करने ही नहीं दे रहे ब्रॉक लेसनर, भाई आज फुल मूड में है ब्रॉक लेसनर। डबल टीम अप नहीं, इस बार भी डबल टीम अप की अब जरूरत नहीं है ब्रॉक को, पेट में इतने घुटने मारे हैं। अगर इतने पिटने के बाद जॉन सीना जीत गया, ओ भाई एपिक हो जाएगा, नहीं इतनी मार खाने के बाद, लेकिन लग रहा नहीं। एक और सुप्लेक्स, सीना जाओ टैग देने जाओ। ब्रॉक लेसनर एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को, देख रहे हो फुल ऑन मस्ती ले रहे हैं। ऑफिशियल जॉन सीना को तो आना ही नहीं चाहिए था फिलहाल, एक F5 पड़ेगा ऑफिशियल जॉन सीना एलिमिनेट हो जाएंगे, या ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स से भी हो सकते हैं। और ये एक और ब्रॉक लेसनर आ रहे, बीस्ट इनकार्नेट इज हियर। अब लगता है कि सीना को गुस्सा रहा और ये बाहर, खतरनाक सीना फाइनली कुछ करेंगे, और ये दूसरे ब्रॉक लेसनर को भी, ओहो इतना गुस्सा सीना। बीस्ट इनकार्नेट ऑफिशियल है याद रखना, और हरा बैंड वाले सीना यानी कि 2K के ऑफिशियल सीना वो ऑफिशियल है, लेकिन दोनों गलत आदमी लोग से लड़ रहे हैं जो लीगल आदमी नहीं है। लीगल आदमी लोग अंदर जाओ, लाल पैंट वाले ब्रॉक लेसनर और 2K के ऑफिशियल सीना, पांच हुआ दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ऐसे एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ अंदर जाओ, लाल पैंट वाले ब्रॉक, बीस्ट इनकार्नेट, चलो ठीक है वन से काउंटिंग होगा, लेकिन दोनों अंदर जाओ। ब्रॉक लेसनर लगता है लेके अंदर जाएंगे, हाँ ब्रॉक अंदर जाओ। ब्रॉक कहां जा रहे हो? काउंट आउट नहीं होना चाहिए ऐसे, भले ही हाँ ठीक है, अब जो होना चाहिए ऐसे गए, एक सीना गए, एक सीना डेफिनेटली गए F5 के बाद। 2K के ऑफिशियल सीना एलिमिनेट, फर्स्ट एलिमिनेशन हो चुका है, और वो हुआ है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का, भाई फर्स्ट एलिमिनेशन। दो सीना बचे हैं, एक जॉन सीना भी बचे रहेंगे ना तब तक मेरी उम्मीद बनी रहेगी, मैं सच्चा फैन हूं सीना का, एक सीना भी बचे रहेंगे तो मुझे लगेगा कि सीना जीत सकते हैं, मैं उम्मीद नहीं तोड़ता हूं। सीना काउंट आउट से भी जीत सकते हैं लेकिन मजा नहीं आएगा, सीना एलिमिनेट ही करना, काउंट आउट से मत जीतना, भले मैं फैन हूं लेकिन नहीं, काउंट आउट से नहीं जीतने का,
एलिमिनेट करके जीते हैं, जैसे ब्रॉक ने एलिमिनेट किया। ब्रॉक अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल खेल रहे हैं। ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स लगा दिया, एक और सीना गया, बच गए। सीना में अभी भी जान बची हुई है, 2022 वाले सीना एलिमिनेट हो जाता है। ये ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स पड़ता, सीना गए थे। सीना ए लगाने का टाइम है, बहुत हाई टाइम है, ए लगा देना चाहिए। दो दो फिनिशर बचा के रखा हुआ सीना ने, पता नहीं किस ऊंची पर। एक फाइव नकल सफल, अरे वो भी नहीं, कुछ नहीं लगा रहे जॉन सीना। पता नहीं सीना को क्या हो गया है, सीना का फिनिशर का बटन खराब है क्या। सीना टॉप रोप ए, नहीं सीना टॉप रोप ए ट्राई तो करना चाहिए था, लेकिन ऐसे भी एक ए में भी मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो गया। अगर ए लग भी गया तो डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स की तो आंख से खून निकल रहा है भाई। फिनिशर, अरे पिनफॉल कहा। ब्रॉक लेसनर इतना भी मार नहीं खाए कि टू हो जाए, वन वन में किक आउट किया है दोनों ब्रॉक लेसनर। डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स यही मौका है जलवा दिखाने का, ये क्यों नहीं लगा भाई। और ब्रॉक को पहला मौका मिलेगा, वो तो फिनिशर नहीं लगता है। बीस्ट इनकार्नेट के पास फिनिशर है, बीस्ट इनकार्नेट तीनों में से है कौन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिनिशर तो एक आदमी के पास, ओ फिनिशर नहीं है, इसीलिए तो अभी तक दिया नहीं है। फिनिशर होता सबसे पहले फिनिशर ही लगाते, 2022 वाले बचाने आए थे और उनको भी। ओके सीना ने ए लगा दिया, लेकिन गलत आदमी को, लीगल आदमी नहीं थे, जिसको लगाना चाहिए था उसको लगाया नहीं, और ये बचा लिया। फिर सीना ने बचा लिया, खतरनाक जा रहे हैं डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स, कांड कर सकते हैं भाई, मुझे उम्मीद लग रही है। फिनिशर फिनिशर जिसको देना चाहिए उसको लो ना, लीगल आदमी पे ट्राई तो करो, शायद कुछ हो। इनकार्नेट के पास ना सिग्नेचर है ना फिनिशर है, शायद एलिमिनेट हो सकते हैं, शायद अभी भी शायद है। एक फिनिशर आई थिंक सर्वाइव कर जाएंगे। सीना ए लगा दिया है, ए लगा दिया है, पर एलिमिनेट नहीं, नहीं मुझे लगा ही था पिनफॉल हो सकता है, पिनफॉल करवाने देंगे नहीं, इसलिए नॉकआउट करना ही अभी बेस्ट ऑप्शन है। हियर कम्स द पेन से तो लड़ना ही नहीं चाहिए भाई, वो आके सिर्फ और सिर्फ पेन देते हैं। 2022 वाले सीना को टैग मिल चुका है। अब सीना की टीम बस मैंने जैसे पहले बोला एक ही तरीका है जीतने का, फिनिशर सिग्नेचर, उसके अलावा कुछ नहीं। ये तो बहुत बड़ी गलती है, सीना ऊपर से नहीं कूदना चाहिए, बोला ही था ज्यादातर लोग बचा लेते हैं। F5 पड़ेगा मेरे को लग रहा है नहीं, बीस इनकार्नेट पास F5 है नहीं, लेकिन अब आ गया है, अब आ चुका है F5, और आई थिंक ये F5 ही के लिए जाएंगे, नहीं पहले सुप्लेक्स भी देंगे। और इस बार ही तो 2022 वाले सीना का पिनफॉल भी नहीं बचा सकते, डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स स्टंड है अच्छे खासे टाइम के लिए। और ये ब्रॉक लेसनर जो सबसे कम डैमेज है, सिग्नेचर है इनके पास, कॉर्बेट ब्रॉक लेसनर ने ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया, लगता है गया सीना। 2022 वाले सीना एलिमिनेट होने वाले हैं, पिनफॉल भी हो जाएगा, बूम एलिमिनेट, नॉकआउट हो चुके हैं दूसरे सीना। एक लास्ट सीना, एक लास्ट उम्मीद, डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स 1 vs 3 करना होगा, वो भी देख लो कितना पिटे हुए, बॉडी लाल, सर ऑरेंज, हाथ येलो, कैसे करेंगे मुझे ये देखना है। कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है, लेकिन जॉन सीना इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। एक फिनिशर एक सिग्नेचर के साथ आग से खून बह रहा है सीना का, ये देना चाहिए था, गलती कर दी, मौका नहीं दो ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक को मौका मिला वाट लगा देंगे, ए ए के सिवा और कुछ करना ही नहीं चाहिए। ऐसे ये वाले ब्रॉक लेसनर तो ए से भी जाएंगे नहीं, अभी फिलहाल पिटे ही नहीं यार, बॉडी येलो और सर येलो, क्या ही जाएंगे एक ए में। डॉक्टर ऑफ थगेनॉमिक्स तो फिर भी थोड़ा बहुत सही खेल रहे हैं, दो ए मैच में लगाया बस यही सीना ने, बाकी दो सीना ने एक भी ए नहीं, सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, एक और ए लगा दिया है, एलिमिनेट तो होने वाले थे नहीं, पिनफॉल भी चांसेस कम ही है, क्यों होगा अपने से किक आउट कर दिया। हियर कम्स द पेन के बचाने से पहले ही सीना, ओके सीना 2-on-1, गुस्से में सीना, एक और फिनिशर है सीना के पास, अब ब्रॉक मौका नहीं देंगे, मेरे को नहीं लग रहा ब्रॉक मौका देंगे भाई, और ये F5 अगर लगा सीना, टाटा बाय बाय गुड बाय, बचा लिया सीना ने, बचा लिया है सीना ने, बचा लिया है भाई, अभी भी एक और फिनिशर सीना के पास आ सकता है, जब तक एक सीना बचे हुए आ रहे गए गए, अब गए भाई, ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स और खेल खत्म, बहुत पिट गए, बॉडी लाल, सर भी लाल और हाथ येल्लो है, टाटा हो गया सीना का, अनस्टॉपेबल है ब्रॉक लेसनर भाई। ये ब्रॉक की जो टीम है ना, ये तिकड़ी तीन की जोड़ी, रोमन को हराया था भाई, ये तीन ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को भी हरा दिया भाई, कौन रोकेगा इस तीन ब्रॉक लेसनर को, कमेंट करके बताओ, ऐसा कौन सा सुपरस्टार है रोमन और जॉन सीना के अलावा, क्योंकि उन दोनों के साथ मैच हो गया है, कौन है भाई जो इन तीनों ब्रॉक लेसनर को रोक पाएगा, कोई है कमेंट करके बताओ, किसके साथ आप देखना चाहोगे नेक्स्ट बार, क्योंकि जॉन सीना और रोमन नहीं रोक पाए,
भाई वन साइडेड मैच, आज मुझे लगा था कुछ स्पेशल मैच होगा, तो ये पहली बार मैं फेल गेम पर देख रहा हूँ कि एक साइडेड टीम मैच, सीना को मौका ही नहीं मिला, ऐसा लगा ही नहीं कि सीना जीत सकते हैं, कभी भी नहीं लगा ऐसा, शुरू से एंड तक ब्रॉक लेसनर जीते हैं। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।